स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ खास रेसिपी जिसका नाम है सिजलर। अगर यही सिजलर आप बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाएं तो आपको 300 टू 400 पर प्लेट देना होता है, पर हम घर पे इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं। हम ये मैंने बीन्स और गाजर को उबाल करके ले लिया है, ग्रीन चिली है और ये बंद गोभी है, कैबेज, और ये तीन आलू को बॉयल करके ले लिया है। और आलू में मैंने चुकंदर, गाजर, प्याज और हरी मिर्च को काट के रखा है, उसका हम कटलेट बनाएंगे। और ये तीन सॉस जो आप देख रहे हैं, इन सॉस से हम सिजलर का सॉस बनाएंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से कोई सॉस खरीदने की, इनसे हम इजीली बना सकते हैं। अब हम देखिए कटलेट की रेसिपी तैयार करते हैं। पहले कटलेट के लिए हम घोल तैयार करेंगे, तो मैंने इसमें बस 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको मैंने पानी में घोल दिया है। और इसकी और इस घोल की कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल फ्लोइंग रखनी है, मतलब ये बहुत पतला हो तो भी अच्छा है। ये कटलेट बहुत तरीके से बनता है, पर मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। कर रही हूँ कटलेट के लिए 3 उबले आलू लिए हैं मैंने, गाजर लिया है कद्दूकस किया हुआ, चुकंदर लिया है कद्दूकस किया हुआ, प्याज लिया है और मिर्च लिया है मैंने। उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। आप चाहें तो इस पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। पर मैंने क्योंकि सिजलर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो मैंने इस रेसिपी को सिंपल ही रखा है ताकि टाइम ना लगे। अब इन सबको मिला करके हम एक गोल गोल लोइयां बनाएंगे। तीन मैंने 3 लोगों के लिए सिजलर बनाया है, तो मैं इसके लिए 3 कटलेट बनाऊंगी। तो तब तक आप इस वीडियो में देखिए कि मैं कटलेट किस तरह से बना रही हूँ, और मैं साथ ही आपको बताती हूँ ये सिजलर कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका मेन मतलब क्या है। सिजलर एक्चुअली ये इंडियन रेसिपी नहीं है, ये USA की रेसिपी है। कैलिफोर्निया में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, सिजलर नाम का एक रेस्टोरेंट था। और मेनली सिजलर का नाम सिजलर इसलिए है क्योंकि जब हम आप कोई भी लोहे के तवे पे या लोहे के प्लेट पे, तपता हुआ लोहा का प्लेट है और उस पर आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, कोई भी चीज़ डालेंगे, तो एक बहुत अच्छी आवाज़ आती है छनछन छनछन की, हो उसी को उसको सिजलिंग बोलते हैं, उस आवाज़ को, और इसलिए इसको सिजलर बोलते हैं। इस रेसिपी सॉस बना लेते हैं। सिजलर के लिए सॉस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सॉस मैंने क्या किया है, 2 चम्मच टोमेटो केचप लिया है, 2 चम्मच पिज्जा वाला सॉस लिया है, और इसको मिला करके ही हम सिजलर का सॉस बनाएंगे। जनरली 2-3 तरह के सॉस यूज होते हैं, बारबेक्यू सॉस यूज होता है, गार्लिक सॉस यूज होता है, बट इन सब में जो इंग्रेडिएंट्स है वही सब बारबेक्यू सॉस में भी होते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप इसको यूज़ करके भी बना सकते हैं। ऐसे बारबेक्यू सॉस भी लोग घर पे बना सकते हैं, वो भी इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स से बनता है। अब देखिए इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिलाएंगे, और थोड़ी सी पतली रखनी है हमें सॉस की कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा 1 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है। अब देखिए मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी पानी और जाएगा क्योंकि ये अभी भी गाढ़ा है, तो 1 टेबलस्पून आप और ऐड कर दें पानी। इसमें देखिए मैंने क्या किया, 4-5 लहसुन को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये डाल दिया है, और ये इसको अच्छे से मिला दें, और ये हमारा सॉस सिजलर के लिए तैयार है। अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स की ओर। तो वेजिटेबल्स में मैंने आपको दिखाया था, मैंने पनीर लिया है, ये 100 ग्राम्स पनीर है, और इस पनीर को आप या तो ग्रिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे मैंने हल्का सा सैलो फ्राई कर दिया है। आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप ग्रिल कर लीजिए वेजिटेबल्स को, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आपका प्रिपरेशन टाइम बच जाएगा। उसके बाद हमने
ये देखिए मैंने ग्रीन चिली डाल दिया है। अब ये जो हमने सब्जियां बॉईल करके रखी थी उसको भी थोड़ा सा 2-3 मिनट बस पकाएंगे। ये सब्जियां इस बात सिजलर में ये ध्यान होना होता है कि ये पूरी तरह से पकी हुई नहीं होती है, ये हाफ कुक्ड होती है, और ये इसको 2-3 मिनट के लिए बस वो फ्राई होती है, मतलब हाफ फ्राई एंड हाफ कुक्ड। आप इस सब्जियों को अगर ग्रिल कर लेते हैं तो आप ऐसा फ्लेवर बिल्कुल पा सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाएगा। देखिए मैंने बस 2 मिनट सब्जियों को ग्रिल किया है, फ्राई किया है। अब सब्जियां हो गई, पनीर हो गया, अब हम प्याज को ग्रिल कर लेते हैं, मतलब भून लेते हैं। और ये प्याज को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, मतलब हल्का सा भूनेंगे ताकि प्याज हल्का ब्राउन हो जाए। और प्याज में हम डाल देंगे जो सॉस हमने बनाया है 1 चम्मच, वो सॉस। सॉस डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं भूनना है, 2-3 मिनट में ये हो जाएगा बिल्कुल। ये तैयार है आपका प्याज, और उसके बाद फिर से हम देखिए हल्का अच्छे से अच्छी। अब ये देखिए हम टमाटर को ग्रिल कर रहे हैं, मतलब भून ले रहे हैं। तो ये आप ऐसे ही 2-3 मिनट तक ऐसे चलाएं, इसमें हो जाएगा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटोज। बस इतना ही रखना है हमें सिजलर के लिए, ये चीज़ें इतनी ही रखनी है। अब हम राइस को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो जो चावल आपके घर में बच गया है उससे भी बना सकते हैं आप, और नहीं तो आप तुरंत चावल बना के भी डाल सकते हैं। मैंने तुरंत बनाया है ये चावल। और इस राइस की जगह आप नूडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सिजलर में बहुत लोग नूडल्स भी प्रेफर करते हैं, तो आप नूडल्स भी बना सकते हैं और उसी उसको इस तरह से भून करके आप सिजलर में नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। राइस में को मैं 1 चम्मच घी में भून लिया है, और ये इसमें हम थोड़ा सा जो सॉस हमने बारबेक्यू सॉस बनाया है वो भी डाल देंगे। और ये राइस हमारा तैयार हो गया, अब हम सिजलर इज रेडी टू सर्व। तो देखिए ये ऐसे हमारे पास सिजलर प्लेट नहीं थी, तो मैंने ये लोहे का तवा लिया है। इसको आप हाई हीट पे गर्म करें, ये बहुत ही गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद ये कैबेज डाल दें और सब्जियां जो भी हमने बनाई है वो सब हम सर्व करेंगे। अगर आपके पास सिजलर प्लेट है तो आप तवे की जगह सिजलर प्लेट रख करके सेम प्रोसेस से बना सकते हैं, और ये सेम प्रोसेस से आप सिजलर बना सकते हैं। और उसको बहुत गर्म रखना है आपको प्लेट को, इस बात का ध्यान रखना है। सिजलर की यही एक खास खासियत होती है कि आपका जो प्लेट है वो बिल्कुल हाई हीट पे गर्म होना चाहिए, तभी उस सब्जियों का टेस्ट अच्छे से आता है आपको। क्योंकि सिजलर का मतलब है कि जब तक आपके लास्ट बाइट तक आपका जो इन्ग्रीडियंट्स है वो हॉट होना चाहिए, ये सिजलर का मेन मतलब है। अब मैंने देखिए सारी चीज़ों को डाल दिया है, 1 चम्मच घी डाल दिया है, और ये आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, ये किस तरह से छन छन की आवाज़ आ रही है, यही सिजलिंग है। और ये बारबेक्यू सॉस डाल दिया, बस इसी तरह से हम सिजलर को सर्व करते हैं। सिजलर बिल्कुल ही गर्म होता है खाने के टाइम पे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी या फिर कुछ आप चाहते हैं मैं इम्प्रूवमेंट करूं तो उसके लिए आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन